और इस वक्त अहम खबर आपको बता दें कि राज्य में तृणमूल कांग्रेस और सीबीआई में आर पार की जंग छिड़ी हुई है। राज्य की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस ने सीबीआई के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। नारदा कांड में तृणमूल नेताओं की अवैध गिरफ्तारी का दावा करते हुए पार्टी की ओर से महानगर के गरियाहाट थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। मिली जानकारी के अनुसार कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 166, 166 ए, 188 और 34 के तहत केस दर्ज कराया गया है। आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। चंद्रिमा भट्टाचार्य जो गरियाहाट इलाके की रहने वाली हैं, ऐसे में एफआईआर गरियाहाट थाने में ही दर्ज करवाई गई है। तृणमूल कांग्रेस ने सवाल उठाया है कि कोरोना महामारी के इस दौर में नियम तोड़ कैसे नेताओं को गिरफ्तार किया गया। सीबीआई पर नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। तृणमूल कांग्रेस ने दावा किया है कि तीनों नेताओं को पूरी तरह से असंवैधानिक तरीके से गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि नारदा मामले में टीएमसी के दिग्गज नेता और वर्तमान में राज्य के परिवहन मंत्री फिरहाद हकीम, पंचायत मंत्री सुब्रत मुखर्जी, विधायक मदन मित्रा और पूर्व मेयर शोभन चटर्जी को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद से ही राज्य की सियासत गर्मा गई है। हालांकि आपको बता दें कि आज कलकत्ता हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान कोई नतीजा नहीं निकला है और अब अगली सुनवाई कल यानी 20 मई को होगी।